हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि चैंपियन चेस टूर के अंतर्गत FTS क्रिप्टो कप में मैग्नस कार्लसन एंड वेस्ली सो जो है वो फाइनल में पहुंच चुके हैं, जहां पर कल पहला दिन था जिसमें टोटल 4 गेम हुई। उसमें से एक मैग्नस कार्लसन ने विन की, दो जो है वो ड्रॉ रही एंड एक जो है वेस्ली सो ने विन की। आज के इस वीडियो में हम मैग्नस कार्लसन की गेम देखेंगे जिसमें उन्होंने ब्लैक पीसेस के साथ खेलते हुए काफ़ी बढ़िया विन दर्ज की। मुझे गेम जो है पसंद आई, सो इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। मज़ा आएगा इस गेम में, जिसमें वेस्ली सो के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत e4 से की। एंड नाउ e5, नाइट टू f3, नाइट टू c6, एंड नाउ बिशप टू c4, बिशप टू c5। सो ये है बेसिकली यू नो गायकोपियानो। एंड नाउ c3 इटालियन गेम। एंड नाउ नाइट टू f6, d4, ई कैप्चर्स ऑन d4, एंड नाउ e5, d5। और इस पोजीशन में अगर जो है आप f6 पे कैप्चर करते हो, देन सिंपली जो है c4 पे ब्लैक कैप्चर कर सकता है और वो पोजीशन जो है वो ब्लैक के लिए अच्छी मानी जाती है। सो गेम में बिशप टू b5 मेन मूव वेस्ली सोहो ने खेली। एंड नाउ नाइट टू e4, सी कैप्चर्स ऑन d4, बिशप टू b6, एंड नाउ नाइट टू c3, कैसलिंग शॉट, बिशप टू e3, एंड नाउ बिशप टू g4। सो के नाइट को यहाँ पर पिन किया एंड जो है थोड़ा बहुत d4 पे यहाँ पर प्रेशर जो है वो मैग्नस कार्लसन बना रहे हैं। एंड नाउ क्वीन टू c2, बिशप टू f5, सो नाइट g3 जो है वो थ्रेट है। सो क्वीन टू b3, एंड नाउ नाइट टू e7। सो आइडिया यहाँ पे ये है दोस्तों कि जो है फर्स्ट ऑफ ऑल d5 पोन जो है उसको सपोर्ट भी दिया और अब जो है वो सिंपली c6 करेंगे और d5 पोन को जो है और सपोर्ट मिलेगा एंड आगे चल के f6 करके जो है और वहाँ से अब ब्रेक लेंगे ब्लैक एंड ब्लैक जो है f5 पे अटैक करने की ट्राई करेगा। इस पोजीशन में वेस्ली सो ने कैसल खेला। एंड नाउ c6, बिशप टू e2, एंड नाउ रुक टू b8, जबकि उस पोजीशन में f6 जो है ज़्यादा खेला जाता था। एंड नाउ नाइट टू f4, सो यहाँ पे बिशप पे अरविन करने की जो है वो थ्रेट है। सो बिशप टू c7, एंड नाउ नाइट टू h4, एंड फाइनली f6। और इस पोजीशन में ओके कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि वाइट को जो है वो नाइट c3 बैक खेल लेना चाहिए, बट वाइट ने इस पोजीशन में खेला बिशप f3, एंड नाउ b5 नाइट पे अटैक है। नाइट टू c3, नाइट टैक्स ऑन c3, और इस पोजीशन में क्वीन कैप्चर्स ऑन c3 और गेम जो है तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है। बट गेम में क्या हुआ कि वेस्ली सो ने यहाँ पे जो है पोन कैप्चर्स ऑन f6 खेला और गेम को जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड करने की ट्राई की, बट मैग्नस कार्लसन ने खेला यहाँ पे ओके बिशप टू e4, जबकि वहाँ पे क्वीन d6 जो है वो भी पॉसिबल था। एंड नाउ बी कैप्चर्स ऑन c3 गेम में खेला गया। से उसी पोजीशन में आप बिशप टू e4 पे हम चलते हैं। इस पर्टिकुलर पोजीशन में हम खेलते हैं फॉर इंस्टेंस पोन कैप्चर्स ऑन e7, देन क्या होगा क्वीन कैप्चर्स ऑन e7 एंड अब जो है आप पोन कैप्चर्स मारोगे एंड अल्टीमेटली हम यहाँ पे जो है h4 पे कैप्चर कर सकते हैं। स्टिल ये गेम जो है तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है, बट ओके गेम में जो है वो यहाँ पे खेला गया बी कैप्चर्स ऑन c3 एंड नाउ क्वीन टू d6। सो पहले जो है वो चेकमेट की थ्रेट है। सो नाउ g3 एंड नाउ बिशप टैक्स ऑन f3, और से आप इस पोजीशन में जो है नाइट कैप्चर्स ऑन f3 खेलते हो, देन सिंपली क्वीन कैप्चर्स ऑन f6 उधर आएगा और ये पोजीशन जो है अभी भी यहाँ पे कंप्यूटर जो है इक्वल बता रहा है। बट हमारे गेम में क्या हुआ कि g3 बिशप कैप्चर्स ऑन f3 के बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन में बिशप टू f4 खेला गया, क्वीन पे अटैक है। नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन f6, बिशप कैप्चर्स ऑन c7, रुक टू b7, और अभी बिशप पे अटैक है। सो बिशप टू e5 एंड नाउ क्वीन टू f7। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि रुक b7 दिख ऐसा रहा है ओके यहाँ पे कुछ ज़्यादा कर नहीं रहा है, बट सेम रुक जब f7 पे आएगा तब वहाँ पे जो है वो काफ़ी डेंजरस बन जाएगा। यहाँ पे नाइट टेक्स ऑन f3 खेला गया, जबकि उधर जो है क्वीन टू f7 के बाद आपको रुक क्या खेल सकते हो आप यहाँ पे जो है इवन रुक a2 इवन जैसी मूव भी खेल सकते हो, दस नो प्रॉब्लम। मतलब ये पोजीशन जो है अभी भी तीनों रिजल्ट के लिए ओपन है, बट क्वीन टू f7 के बाद नाइट कैप्चर्स ऑन नाइट कैप्चर्स ऑन f3, क्वीन कैप्चर्स ऑन f3, और यहाँ पे क्या है कि लाइट स्क्वेयर जो है वो वीक है और इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर रुक जो है f5 पे डबल हो जाते हैं एंड किसी भी तरह से जो है वो नाइट e3 नाइट जो है h4 करके लाइन ओपन हो जाती है तो वहाँ पे वाइट के किंग को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इस पोजीशन में क्वीन टू b4 खेला गया एंड नाउ नाइट टू f5, और यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि क्वीन b3 जो है वो खेलना चाहिए
एन आफ्टर एफ आई, यहाँ पर एक्चुअली जो है वो आप क्वीन टू डी वन करके क्वीन को एक्सचेंज करने की आपको ट्राई करनी चाहिए। बट गेम में क्या हुआ कि नाइट एफ आई के बाद क्वीन टू सी फाई खेला गया और ये जो है मिस्टेक ऑफ द गेम है और ये जो है गेम का काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि यहाँ पर अब ब्लैक किस तरह से किल के लिए जा सकता है। ब्लैक इज़ विनिंग बाई फोर्स। रेडी दोस्तों, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने खेला रुक टू एफ सेवन, जबकि कॉम्पिटिस कर रहा है कि एच फाइव एंड जो है उसके बाद रुक बी टू एफ सेवन पॉसिबल है, क्योंकि से यहाँ पे आप एच फाइव के बाद कुछ और खेलते हो देन इवन जो है एच फोर काफ़ी डेडली होता है। सो वहाँ पे वाइट को एच फोर खेलना ही पड़ेगा एंड देन रुक एफ टू बी सेवन खेल सकते हैं। बट मैग्नस कार्लसन ने पहले ही रुक एफ टू बी सेवन खेला एंड नाउ रुक ए टू ई वन, क्योंकि थ्रेट यहाँ पर यह है कि क्वीन कैप्चर सी सिक्स देन सिंपली जो है नाइट टू ई थ्री एंड जी टू पर चेकमेट की थ्रेट है। सो कौन सा आप कैप्चर करोगे तो क्वीन कैप्चर्स ऑन ई थ्री और बाद में जो है एफ वन पर हम कैप्चर कर सकते हैं, आई मीन किंग जी टू क्वीन ई टू चेक और देन जो है एफ वन पर कैप्चर करके गेम को विन किया जा सकता है। बट गेम में रुक बी टू एफ सेवन एंड देन रुक ए टू ई वन खेला गया एंड नाउ एच फाइव विथ एन आइडिया ऑफ एच फोर एच थ्री। सो इस पोजिशन में एच थ्री वेस्ली सोहो ने खेला एंड फाइनली एच फोर मैग्नस कार्लसन ने खेला एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन सी सिक्स और दोस्तों गेम जो है अब चली गई है। सो यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि अब ब्लैक यहाँ पे क्या खेल सकता है। रेडी दोस्तों, यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने खेला नाइट कैप्चर्स ऑन जी थ्री। सो अगर आप जो है वो पोन कैप्चर्स ऑन जी थ्री खेल सक आई मीन पोन कैप्चर्स ऑन जी थ्री खेलते हो देन सिंपली जो है क्वीन सेक्रीफाइस और कुछ ही मूव्स में जो है चेकमेट हो जाएगी कुछ इस तरह से। सो नाइट कैप्चर्स ऑन जी थ्री के बाद बिशप कैप्चर्स ऑन जी थ्री फोर्स एंड नाउ एच कैप्चर्स ऑन जी थ्री। अगेन आप पोन से मारोगे तो वहाँ पर जो है क्वीन कैप्चर्स या क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ वन रुक कैप्चर्स एफ वन रुक टेक्स किंग जे टू एंड रुक एफ टू में जो है सेम तरीके से मेट हो जाएगी जैसा कि हमने अभी देखा था। राइट, सो इसलिए एच टेक्स ऑन जी थ्री के बाद गेम में खेला गया रुक ई एट बट नाउ जस्ट पोन पुश और यहाँ पे जब जो है गेम खत्म हो रही है क्योंकि रुक कैप्चर्स एफ एट रुक कैप्चर्स एफ एट और इस पोजीशन में वेस्ली सोहो ने रेजिग्नेशन दे दिया। रीज़न ये है कि आप रुक ईवन जैसा कुछ खेलते हो देन क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ टू विनिंग है, रुक कहीं पे भी मूव करोगे तो क्वीन कैप्चर्स ऑन एफ टू विनिंग है और एल्स आपका जो है यहाँ पे रुक जा रहा है। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन में वेस्ली सोहो ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों कैसी लगी आपको मैग्नस कार्लसन की यह गेम पर्टिकुलर ब्लैक पीसेस के साथ? आई होप ये गेम और मेरा वीडियो दोनों ही आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।